सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आशा रखते हो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो समझिधर ब्लॉग पे सबको फिर से एक बार स्वागत है। तो भाई बहुत दिन के बाद आज ब्लॉग आ रहा है, तो भाई टीथ पे प्रॉब्लम, मतलब इतना दर्द हो रहा था कि अब बात करने का क्षमता मेरे अंदर नहीं था। उसके बाद फिलहाल फिर हुआ क्या, तबीयत बिगड़ गया, थोड़ा जुकाम वुकाम हो गया, तो मैंने तो सोचा कुछ और ही हो गया, लेकिन नहीं भाई, भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हो। तो फिलहाल ये जो ब्रांड आप देख रहे हैं, लिक्विड मॉली 10W40 MV स्कूटर फार्मूला, बहुत सुना है इस कंपनी के बारे में, बहुत कुछ लोग बोलते हैं मेड इन जर्मनी, मतलब ये प्रोडक्ट कौए भोंक रहे हैं, मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है, मतलब इसका प्रोडक्ट जो है, और इसका LRL मोटर्स जो है वो इंडिया में इसको इंपोर्ट करता है। बहुत सुना है इस कंपनी के बारे में, तो सोचा कि मेरा ये एक्टिवा 6G में ये प्रोडक्ट थोड़ा इस्तेमाल करूँ। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में ये लिक्विड मॉली का इंजन ऑयल का 2 डिब्बा है, तो एक्टिवा में तो सिर्फ लगता है 600 ml, तो 2 डिब्बा से मैं क्या करूँगा। फिलहाल 1 डिब्बा आप लोगों के लिए है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए किनको ज़रूरत है, तो जिनको पसंद होगा मेरे को मैं उनको रैंडमली भेज दूँगा। सो इससे इसके पहले, मतलब लिक्विड मॉली इस्तेमाल करने से पहले, देखिए मैं इस्तेमाल करता था ये जो, देखिए इसका जो पैकेज था इसके अंदर थोड़ा भी अभी भी है, क्योंकि ये भी 800 ml का डिब्बा था। तो मोटुल का स्कूटर पावर एली इस्तेमाल कर रहा था, तो 2200 किलोमीटर चलने के बाद मुझे कल जब मैं फ्यूल अप करने के लिए गया तो देखा 40 मिल रहा है, तो सोचा कि इंजन ऑयल का हालत क्या है देखता हूँ। तो ये घर में पड़ा हुआ था, तो सोचा क्योंकि लद्दाख राइड में मैं सोच रहा हूँ कि लिक्विड मॉली का जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करूँगा, तो फिलहाल एक टेस्ट के लिए, फिलहाल अभी कुछ दिन बाकी है, टेस्ट के लिए एक लिक्विड मॉली का डिब्बा फिलहाल डाल के देख लेता हूँ कैसा परफॉर्मेंस आता है इसका। इंजन ऑयल को डेंट करने के लिए हमको चाहिए एक बड़ा सा बर्तन, और देखिए कुछ दिन पहले मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया था, तो फिलहाल ये मतलब ट्रिप के दौरान भी काम आएगा, तो आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या है इसके अंदर। देखिए पूरा रेंज का सेट है, तो इसमें लगता है 12 नंबर का बोल्ट, तो इसमें हम 12 नंबर लगा लेंगे। मैं थोड़ा अभी थोड़ा लूज़ कर दूँगा, तो इंजन ऑयल पूरा बाहर आना निकल जाएगा, यहाँ से बोल्ट फिलहाल लूज़ हो चुका है, तो 1, 2, 3 बोल्ट को निकालते हैं देखो। और इंजन ऑयल का हालत अब देखो भाई साहब क्या हो गया, इंजन ऑयल का हालत देखो भाई, ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं था कि मतलब 100% सिंथेटिक जो मोटुल का आता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100% सिंथेटिक, लेकिन ये 2200 चलने के बाद इसका ये वाला हालत एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। सो गाइज आप लोग थोड़ा इंजन ऑयल का हालत देखिए ये क्या हो गया, ये मतलब इसका जो विस्कोसिटी था इंडेक्स पूरा गिर चुका है, मतलब ये पानी पानी जैसा हो गया, और ये देख सकते हैं आप इसका हालत बहुत बिगड़ गया, मतलब ये कोई काम का नहीं है ऐसा मुझे तो लग रहा है। तो 100% सिंथेटिक ऑयल से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था हमारा, अब देखते हैं ये वाला क्या परफॉर्म करता है। सो गाइज गियर ऑयल भी चेंज कर लूँगा इसके साथ साथ, तो गियर ऑयल चेंज करने के लिए देखिए गियर ऑयल का जो बोल्ट होता है यहाँ पे एक है और नीचे एक है, दोनों को निकालना पड़ेगा, तो दोनों के लिए 12 नंबर का सॉकेट ही चाहिए हमको, ये एक बोल्ट है इसको भी निकालना पड़ेगा, और उसके साथ साथ नीचे वाला जो बोल्ट है दोनों को ही निकालना पड़ेगा ये गियर ऑयल निकालने के लिए। गियर ऑयल निकल रहा है, केरल का हालत तो भाई बढ़िया ही है। तो दोस्तों देखिए नीचे वाला जो बोल्ट था वो भी फिलहाल मैंने खोल दिया, तो केरल जो है निकालना स्टार्ट हो गया है बाहर से, तो सोचा खोल जब दिया हो तो चेंज करवा ही लूँगा भाई। सो गाइस अब गियर ऑयल तो चेंज कर लिया, तो देख सकते गियर ऑयल का हालत भी कुछ ठीक नहीं था, तो थोड़ा एक बार आप देख लीजिए गियर ऑयल का हालत भी ऐसा कुछ हो गया था, तो क्या करें भाई इसको भी चेंज कर लिया, मतलब पहले तो अच्छा निकल रहा था, उसके बाद जो निकला भाई वो देख ले रहा था। तो फिलहाल ये जो कैस्टर ऑयल का ये फिलहाल अभी एक घर पे था, तो इसको सोचा इस्तेमाल कर लूँ, तो 80W90 कैस्टर ऑयल का था, तो इसको ये जो वाला पार्ट है यहाँ से इसको अंदर भेजना पड़ेगा, तो थोड़ा कट कर लेते हैं इसको हम पहले। देख सकते हैं धीरे 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 पूरा जो गियर ऑयल है पूरा अंदर जा रहा है, पूरा गियर ऑयल पूरा 120 ml इसके अंदर जाएगा।
पूरा इसके अंदर ऐसे निचोड़ के डाल देना है आपको। हाँ देखिए, मैं आपको अच्छे से घर पे कैसे सर्विस किया जाए, मतलब बेसिक वाला पार्ट आपको मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ एक्टिवा सिप्स के बारे में। अब एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको हाथ दे के रखना पड़ेगा, छोड़ देंगे ना तो फटाक से इंजन ऑयल गियर ऑयल बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो एक हाथ हटाएंगे और जल्दी से यहाँ पे बोल्ट को लगा देंगे तो गियर ऑयल बाहर आ जाएगा। इसको थोड़ा टाइट कर देना पड़ेगा, देख सकते हैं अच्छे से टाइट कर देना पड़ेगा दोनों बोल्ट को। इसको पहले ही टाइट कर दिया था, इसके बाद इसको भी टाइट कर दिया हमने। तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो कैप होता है फ्यूल कैप, मतलब ये इंजन ऑयल का कैप, ये निकालना पड़ेगा। और इसके बाद ये द प्रोडक्ट लिक्विड मॉली 10W40 स्कूटर MB फार्मूला ASI SN प्लस जैसो MB, ठीक है, MB ग्रेड का इंजन ऑयल है। तो आपके सामने सील तोड़ता हूँ, देखिए वाह। सो गाइज इसके वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब इसके अंदर एक स्टिक जैसा दिया हुआ है तो इसके डालने के लिए। आप लोग देखिए ज़रा, बहुत अच्छा बढ़िया लगा मुझे ये चीज़, थोड़ा बहुत गिर गया। तो 600 ml डालना पड़ेगा, तो ये सो इतना हम 200 ml मुझे लगता है इतना सा होगा मतलब, तो इतना रख देंगे अंदर और पूरा बाकी का डाल देंगे अंदर। चलो देखते डालते हैं, चलो। और ये बहुत ही बढ़िया लगा ये चीज़ मुझे, तो धीरे धीरे लिक्विड मॉली मैंने इसको देखा तो 200 ml रख देते, मतलब 600 ml के करीब अंदर चला गया है इंजन ऑयल। और इसके साथ देंगे थोड़ा सा MOS2। सो गाइस मेरे पास MOS2 मैं सीरिंग्स पे निकाल के रखा था, तो फिलहाल मेरे पास इतना ही है, तो इतना ही डाल देंगे अंदर लेंगे कि अंदर जो फ्यूल मैंने डाला है वो बराबर से गया कि नहीं। तो फिलहाल इसको थोड़ा पोंच लेते हैं हम अच्छे से जगह को, धूल मिट्टी कुछ ना रह जाए। तो करते हैं बंद फ्यूल कैप को एक बार। तो गाइस इंजन को स्टार्ट कर दिया, तो देखते हैं 5 मिनट ऐसे इंजन को स्टार्ट रखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस आता है या फिर नहीं। ये किलोमीटर आप लोग देख लीजिए फिलहाल स्क्रीन में क्या है, और पहले जो पावर एली था वो कितने में मैंने चेंज किया, वो स्क्रीनशॉट भी आप साइड पे देख सकते हैं। सो गाइस एक दिन यूज़ करने के बाद देखिए एक लिक्विड मॉली का एक स्टिकर फिलहाल गाड़ी पर लग चुका है, जो 2 स्टिकर कंपनी वालों ने मेरे को भेजा था एक लगा दिया। इसका कारण क्या है भाई, इसका जो परफॉर्मेंस लेवल है आउटस्टैंडिंग। तो मोटूल का जो मैंने 100% सिंथेटिक यूज़ किया था उसका मुकाबले किया जाए तो इसके साथ भाई इसका परफॉर्मेंस, मतलब ये मिनरल ऑयल हो कि भी इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, मतलब इंजन का जो वाइब्रेशन लेवल इतना डाउन हो चुका है क्या बताओ आपको, मतलब चलाने में कुछ अलग ही फील आ रहा है। तो भाई इतना दूर तक वीडियो को देख ले तो प्लीज़ बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के, वीडियो को एक लाइक दीजिए। तब तक के लिए मैं समझता आप सबसे विदा लेता हूँ, टाटा बाय बाय टेक केयर बूम।